हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले यूनियन बैंक में पिन जनरेट कैसे करें। तो वीडियो में मैंने रही आखिर तक। मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हो रियल इन्फॉर्मेशन। मैंने कुछ फोटो में आपको समझाने की कोशिश की है, तो बढ़ते हैं फोटो की तरफ। सबसे पहले आपको एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को स्वाइप करना है। एटीएम कार्ड को स्वाइप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन होगी। यहाँ लिखा है प्लीज सेलेक्ट योर लैंग्वेज। आपको यहाँ लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ सेट पिन पर क्लिक करना है। सेट पिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन होगी। यहाँ लिखा है जनरेट ओटीपी वैलिड ओटीपी। तो आपको सबसे पहले जनरेट करनी है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन होगी। यहाँ लिखा है ओटीपी जनरेट सक्सेसफुल। ऐसा लिखे आने के बाद आपको फिर से एटीएम मशीन में से एटीएम कार्ड को बाहर निकालना है और फिर से एटीएम में एटीएम कार्ड को डालना है। डालने के बाद आपके पास फिर से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको सेट पिन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको वैलिड ओटीपी पे क्लिक करना है। वैलिड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको अपने ओटीपी डालने जो आपके मोबाइल नंबर पर आए हैं। मोबाइल नंबर पे यहाँ एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार के स्क्रीन होगी। यहाँ लिखा है प्लीज एंटर योर न्यू पिन। यहाँ आपको न्यू पिन एंटर कर देनी है। एंटर कर आपको न्यू पिन ऐड करनी है। फिर एंटर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ लिखा है प्लीज री एंटर योर पिन। तो यहाँ आपको फिर से टाइप कर देना है कन्फर्म के लिए। फिर लिखा है पिन चेंज कम्प्लीट। ऐसा लिखा आने के बाद आपको एटीएम मशीन में से एटीएम कार्ड को बाहर निकाल देना है। आपका पिन चेंज हो चुका है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। आपको इसी तरह बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास वाली घंटी को इनेबल करना ना भूले। धन्यवाद।